क्राउन हेयर स्टाइल उल्टी पलकी ब्रेड के साथ क्रिम करना, ये बीट्स लगाना, सब कुछ आज इस वीडियो में सीखेंगे। लास्ट तक बने रहना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें बालों का टेक्सचर, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिल्की बाल थे। तो हमने हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले जो करना होता है वो क्रिम करना होता है बालों को। और यहाँ हमारे पास मशीन है रेगमिंटन की। आपने क्रिम करना जो है वो एयर टू एयर बालों को पहले डिवाइड करना है, क्योंकि स्टाइलिंग फ्रंट पर ही होती है। तो हमने जस्ट फ्रंट के बालों को ही क्रिम करना है। इसमें मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट करके चलाई है। अगर आपने क्रीम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ सीखनी है तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप अच्छे से चेक कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। दोनों साइडेड बाल मैंने जो है क्रीम करने के बाद सेंटर पार्टिंग करनी है। इनके फेस पर अच्छी लग रही थी। फेस फ्रेमिंग के लिए मैंने जस्ट आगे जो था वो पोर्शन छोड़ दिया, पहले ही निकाल दिया करो गाइज। नहीं तो हम जब बना देते हैं स्टाइल फिर उसके बाद जब अगर निकालो तो वो बहुत सारा जो है गड़बड़ कर देता है सारा काम। अच्छा जी, यहाँ देखो फिर हमने क्या करना है, जस्ट हमने सिंपल ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनानी है बट हमने उल्टे बल की ब्रेड उठाई है यहाँ पर, और बहुत आप इजीली और सिंपल तरीके से देख सकते हो। मैं एक जो है पोर्शन यहाँ से ऐड कर रही हूँ और एक फेस के साइड से, बट मैं बिल्कुल फेस के साइड से नहीं उठा रही हूँ। वहाँ जो मैंने फेस फ्रेमिंग के लिए जो बाल छोड़े हैं वो मैंने कर्ल करने हैं, आखिर में लूज कर्ल्स बनाने हैं उनके, तो मैंने थोड़ा सा पीछे रहते हुए ही काम करना है। और आप इस वीडियो को एक से दो बार, दो से तीन बार आप देखोगे तो वीडियो का सबसे अच्छा और सबसे अहम बेनिफिट यही होता है कि हमने दो से तीन बार चलाई, जो चीज़ हमने सीखनी है तो वो हमने इजीली हमने सीख लेनी है उससे, ठीक है, हमें आ जाती है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, हाँ मैंने फिर उल्टे पल की जो ब्रेड थी वो अच्छी तरह से पूरी नीचे तक जो है बनाकर, और उसे करना है मैसी, उसे करना है बिल्कुल लूज़। ये देखें लूज़ करने का मेथड भी आप अच्छे से देख लो। फिंगर के साथ और थंब के साथ आपने हल्के हल्के बालों को पहले नीचे वाले बालों से लूज़ करना है, उसके बाद ऊपर वाले, तो आप इजीली लूज़ कर सकोगे। डायरेक्ट आप ऊपर से करोगे तो कभी नहीं कर सकोगे, ठीक है। देन हमने यहाँ ले जाकर गोल क्राउन के स्टाइल में हमने यहाँ पिन दे देनी है। पिन इस तरह से दीजिएगा कि ज़्यादा नज़र ना आए। देन हम आ गए दूसरे साइड पर। दूसरे साइड पर भी हमने यही काम किया है, वही तीन बल की जो ब्रेड थी, उल्टे बल की ब्रेड हमने स्टार्ट की। और ये देखें, ये भी मैं पूरी पीछे तक बना कर लेके जाऊंगी। जब तक मैं ये साइड पूरा करती हूँ तो प्लीज़ गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर किया करो, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट किया करो। हम भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के साथ आपके लिए टाइम निकालते हैं, इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना अलग, फिर उसे एडिटिंग करना, उसको सारा जो कुछ है जो थोड़ा बहुत फालतू है वो सब हटा के बिल्कुल बिल्कुल काम की चीज़ें आपके लिए हम शेयर करते हैं। और जितनी भी नॉलेज हमारे साथ है हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन हो वो फर्स्टली आपको मिल जाए। और मेरे चैनल पर विजिट करना तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी पॉलर के हवाले से। तो जो न्यूली पॉलर रन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा जी, यहाँ देखें मैंने ये सब कुछ जो है बना दिया, यहाँ तक नीचे तक बल ले आई, और उसके बाद मैंने इस साइड को भी पूरा मैसी कर देना है। देन हमने इस हिस्से को भी क्राउन एरिया की तरह गोल हमने यहाँ पिन कर देनी है। यहाँ मेरा हेयर स्टाइल फाइनल होता है। अब मैंने करना है आयरनिंग, मतलब कि आगे से लूज़ कर्ल्स, इन्हें चाहिए थे लूज़ कर्ल्स बना दें। तो देखें ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, छोटे साइज़ की जो है आयरन मशीन आपके पास होनी लाजमी है। और ये देखें आप इजीली छोटे छोटे सेक्शन लो और इस तरह से आप इसको कर्ल्स बनाते जाओ। ये भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ये भी वीडियो चेक करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये इजीली और डिटेल के साथ समझाऊं तो ये भी मैं समझा दूँगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने बीट्स जो हैं वो अप्लाई करे, देन कितना प्यारा लग रहा है ना, काम हो गया फाइनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।